अरे ये कितना बकवास है, ये इसको हटाओ। तो ये वाला, ये वाला अच्छा, ये वाला। छी, क्या बकवास चॉइस है तेरी। नहीं ये गलत है, उसका नहीं, ये वाला अच्छा है ना। तुम सबसे इस तरह मिलकर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। हरप्रीत, खाने पीने का पूरा इंतजाम तुम करोगी और इसमें कोई दखल नहीं देगा। गीता, तुम पूजा पाठ, पंडित, रस्में, ये सब तुम संभालोगी। प्रियंका, सारे मेहमानों का ख्याल रखेगी और सब काम करने वालों पर ध्यान दोगी। नीलिमा, पैसों से जुड़ा हर काम तुम्हारा, कब कहाँ क्या खर्च करना है वो तुम देखोगी। कविता, ये कार्ड्स, कलर्स, थीम, म्यूजिक तेरी जिम्मेदारी। यस, अब ठीक है ना, कोई किसी से लड़ेगा नहीं अब। माँ, आप मुझे भूल गई क्या, मैं क्या करूंगी? अरे तुम कैसे बच गई? तुम सब पर ध्यान दोगी कि हर कोई अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे माँ, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपका काम है। मुझे शामिल मत करना है सब में। हाँ, ऐसा क्यों कह रही है आप माँ? बॉम्ब्स। अरे वाह, शादी की तैयारी हो रही है, मुझे भी दिखाओ। नॉट बैड। हाँ, अरे आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। हाँ बोल। शादी के खर्चे को लेकर मैंने और आरुषि ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हल्दी, मेहंदी, संगीत और सब छोटे मोटे फंक्शन का खर्चा हम लड़के वाले उठाएंगे, सिर्फ शादी का खर्चा आरुषि उठाएगी। ओके। वाह, तो तुम दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया, बहुत तेज नहीं हो गई है आजकल की जनरेशन? हमारी तो जरूरत ही नहीं। ऐसी बात होती तो आप सबकी पसंद की लड़की से अरेंज मैरिज करता ही नहीं। और वैसे भी हमने जो प्लान किया है उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, सब हम करेंगे ना, पर शादी का खर्चा आरुषि उठाएगी। पर बिहू, शादी ही तो सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा होती है, वही वो लोग करेंगे। किसको पूछ के तूने ये फैसला लिया? तंबू गाड़ के शादी कराएंगे वो लोग, ऐसी शादी कराएंगे हम इकलौते बेटे की? मना कर दिया प्लीज उनको। मिनिमा, मैं समझता हूँ, लेकिन आप उनकी तरफ से भी सोच कर देखिए ना, जिस तरह से हमारे सपने हैं उनके भी तो होंगे ना। उनके सपनों की कादर है हमें पुत्र, पर हम अपने सपने तो छोड़ नहीं सकते ना। नहीं करानी हमें ऐसी शादी। जब माँ वहां जाके सब बात समझा के आई है तो क्या जरूरत थी अरुषि को तेरे साथ बात करने की? माँ की बात का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? विहान, माँ ने साफ साफ समझाया था, उनका स्टेटस अलग है और हमारा स्टेटस अलग है, सो ऑब्वियसली जो कुछ होगा वो हमारे स्टेटस के अनुसार होगा। स्टेटस? आप लोगों ने वहां जाकर स्टेटस की बात की? आप लोगों ने? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें कैसा लगा होगा? हाउ कुड यू? विहान, अब तो हमसे झगड़ा करेगा उनके लिए? तो उनके लिए मतलब हमारे सपने सपने हैं, उनके सपने कुछ नहीं। हमारी इज्जत है तो उनकी भी तो इज्जत है ना, और हमें उनकी इज्जत की परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए? विहान, सीधी सी बात है, वो हमारे लेवल का इंतजाम नहीं कर सकते, उनसे कौन चुप रहे और छोटी सी बात का पतंगड़ ना बनाए। वो क्यों चुप बैठे बुआ मां? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे कम है? आप लोग किसी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे ना, ये मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। विहान, अरे
अरे उस लड़की को पूरी जिंदगी अब इस घर में बितानी है। पहले ही उसके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस है और उसके ऊपर अगर बार बार हम पैसे और स्टेटस की बातें करते रहेंगे तो इस घर में कैसे मैनेज करेगी, कैसे एडजस्ट कर पाएगी हम सबके साथ, बताइए। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? शादी अभी हुई नहीं और तू उस लड़की की भाषा बोलने लगा। शादी के बाद तो जाने क्या होगा, वो कहेगी कि माँ को इस घर से निकाल दो तो तू निकाल देगा। सॉरी दादी माँ, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो गलत नहीं है ना दादी माँ। मैं खुद पर्सनली इस बात का ध्यान रखूंगा कि शादी में कोई कमी न रहे, कि हर एक चीज हमारे हिसाब से हो। लेकिन आप लोग प्लीज ये स्टेटस और पैसे की बातें ना करें। बस शादी के खर्चे को छोड़ के सब कुछ हम करेंगे ना। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। आज विहार ने जिंदगी में पहली बार हम सबसे लड़ाई की, सिर्फ उस लड़की के लिए।